ध्वनि की चाल हो गई है कामयाब। दरअसल ध्वनि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और वेदांत को फिर से पाने के लिए एक ऐसी चाल चलती है जिसमें वेदांत फंस जाते हैं। दरअसल वो सुसाइड करने की कोशिश करती है और अपने फैंस से जानना चाहती है कि वो किस तरीके से अपनी जान दे। कल आप भी देखिए ये पूरा सीन। क्या हमारा खून बहाकर खुद को सजा दे या अपने आप को कोड़े मार कर सजा दे या ये पिल्स खाकर या ये जहर पीकर। एक दो तीन एम फॉर रियो वाह, लोग हमारे पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं और हमारे फॉलोअर्स तो इंडिया के पॉपुलेशन की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। आप तो पक्का फेमस हो जाएंगे। हम देखते हो और वहाँ एक मैसेज पॉपअप हुआ, अरे दीदी बस हुआ, आप फटाफट अपने आप को सजा दो। एक घंटे से वेट करें, जल्दी करो, इसमें मैसेज आया। और ध्वनि को ऐसा लग ही रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, तभी वहां पहुंच जाते हैं वेदांत और उसे समझाने लगते हैं। हम भी वेट कर रहे हैं आपके हंटर से। लाइक हंटर पॉइजन सब बोल रहे हैं, देखा उधर देखते जाओ और रियो बढ़ते जा रहे हैं और सब एक एक अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। रियो ये वेदांत को बड़ा लकी निकला हुआ है, एक गांव से इतना बड़ा फायदा हो रहा है। देखिए और ये इस मैसेज पढ़ते पढ़ते अचानक से साउंड सुनाई दिया गाड़ी रुकने की। हालांकि ध्वनि वेदांत की बात नहीं मानती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसने जो भी अपनी बहन के साथ किया है उसके लिए उसे अपनी जान दे देनी चाहिए और यही उसकी सजा होगी। वह ड्रामा भी यही नहीं खत्म हुआ बल्कि ध्वनि एक एक कर वेदांत को अपनी बातों में लाती जा रही है और कहीं ना कहीं वेदांत भी ध्वनि को सही समझ रहे हैं और उसकी जान बचाना चाहते हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि हमने जो किया है उसका कितना अफसोस है। तुम्हें पता भी नहीं है कि हमने जो किया है उसका कितना अफसोस है हमें। स्वरा को जो जख्म दिए हमने उससे 100 गुना ज्यादा। अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वेदांत के सामने ध्वनि की सारी सच्चाई आती है और क्या वाकई में ध्वनि स्वरा की जिंदगी से वेदांत को छीन लेगी। एंड फॉर मोर सस्टेल टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।